क्या आपके भी बेबी के प्राइवेट पार्ट पे, जो आपका बेबी बॉय है उसके प्राइवेट पार्ट पे व्हाइट कलर का जिसे पाउडरी जैसे हो गया है, दाग धब्बे हो गए हैं आपके बेटे के प्राइवेट पार्ट पे, और उसमें से व्हाइट कलर के स्राव हो रहे हैं, यानी कि पानी निकल रहा है प्राइवेट पार्ट से? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपके फ्रेंड रागनी और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो है मेरे आपके बेबी बॉय के लिए। अगर आप कभी बेबी बॉय है और उसके प्राइवेट पार्ट पे आपने ओपन तो कर लिया है, बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि उसको ओपन कैसे करें। जैसे कि बच्चा जन्म होता है तो आगे की जो स्किन होती है प्राइवेट पार्ट की, यानी कि फोर स्किन होती है, वो चिपकी होती है और समय के साथ साथ वो खुल जाता है अधिकतर बच्चों के, लेकिन कुछ बच्चों को अपने हाथों से खोलना पड़ता है। तो बहुत से, अगर आपने खोल लिया है और अगर नहीं खोल रहे हैं तो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने बताया है आपको कि बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट के फोर स्किन को कैसे ओपन किया जाता है, तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो है कि प्राइवेट पार्ट के जो ऊपर ग्लांस होती है, जो गोलाकार होता है, उसपे आपके बेबी के अगर उसपे व्हाइट कलर का स्पेग्मा जम रहा है, उसमें से स्राव हो रहा है पानी जैसे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं और उससे क्या हानि हो सकती है, मैं उस पे बात करने वाली हूँ आपके। तो आपके बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट पे स्पेग्मा ना जमे उससे, और ये प्रॉब्लम ठंड में ज्यादा अक्सर होती है और जल्दी जल्दी हो सकती है गर्मी की अपेक्षा, क्योंकि गर्मी में आप अपने बेबी को पैंट पहनाते हैं या फिर बहुत से लोग अपने बच्चों को ऐसे भी छोड़ देते हैं जिससे कि बच्चा सुसु करता है तो आप हाथ के हाथ मतलब तुरंत आप उसकी पैंट चेंज कराते ही हैं, उसको अच्छे से पोंछ के वाइप करके आप पैंट चेंज कराते हैं, तो पेनिस में हवा लगती रहती है, बेबी के प्राइवेट पार्ट में एयर लगती रहती है, और फिर बार बार आप क्लीन भी करते हैं पैंट चेंज करने के समय। बट ठंड में होता ये है कि आप अपने बच्चे को पूरे टाइम डायपर में रखते हैं जिससे कि बच्चा सुसु करता है और आपको कोई टेंशन नहीं रहती है बार बार चेंज करने की, बार बार वाइप करने की, तो वो डायपर की वजह से बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट में एयर नहीं लगता है और आप उसे बार बार क्लीन भी नहीं कर पाते हो, जिससे कि वो धीरे धीरे स्पेग्मा जो है व्हाइट कलर का जो पाउडरी जैसा पदार्थ होता है वो जमने लगता है, और जिससे कि उस सूजन भी आ सकती है, खुजली भी हो सकता है, और बच्चे के पेनिस में दर्द भी हो सकता है और वो काफी चिड़चिड़ा हो जाता है, बट आपको समझ में नहीं आता है कि वो क्या है। तो आज से ही सावधानी बरतनी शुरू कर दीजिए, अपने बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को आप ठंड में भी बार बार क्लीन करिए, डायपर पहनाने के बावजूद भी आप हर घंटे, अगर दिक्कत हो रही है बच्चे को, बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे ये व्हाइट आ रहे हैं दाग धब्बे, तो आप उसको अच्छे से क्लीन करिए, गर्म पानी से क्लीन करिए, आप नहलाते टाइम करिए, वैसे भी करिए, गुनगुने पानी से आप चेक करके देख लीजिए कि इसका टेम्परेचर क्या है, तभी आप यूज करिए। और उससे अगर आप क्लीन नहीं करते हैं बार बार, तो उससे दिक्कत ये हो सकती है कि आपके बेबी का जो फोर स्किन है वो चिपक भी सकता है, अगर खुल गया है उसके बावजूद भी चिपक सकता है। जी हाँ, आप इस बात को सीरियसली लीजिए मेरी बात को, और अभी से सावधान हो जाइए। अगर आप ये सोच रहे हो कि अब तो खुल गया है, अब कोई टेंशन नहीं है, तो जी नहीं, टेंशन लेने वाली बात उतनी है जितनी पहले थी खुलने के पहले। अभी भी खुला हुआ भी वो बाद में बंद हो सकता है, अगर आप उस बेबी के प्राइवेट पार्ट की सफाई नहीं करते हैं तो वो बंद हो सकता है और आपके बेबी को बहुत सारी दिक्कतों में डाल सकता है, आपको इमिडिएटली डॉक्टर के पास भागना पड़ सकता है, ऑपरेट करवाना पड़ सकता है आपको इमरजेंसी में। तो उससे अच्छा है कि आप अपने बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को समय समय पे क्लीन करते रहिए, और जो स्पेग्मा जम गया है उसे आप अच्छे से कई बार, मतलब दिन में कई बार, जब भी आपको टाइम मिले, टाइम ना भी मिले तो भी आप बच्चे के लिए टाइम निकालिए और उसको ध्यान देके आप पहले गुनगुने पानी से वॉश करिए, फिर सरसों का तेल या फिर जिस भी तेल से मालिश करते हैं अपने बच्चों को, उसे थोड़ा गुनगुना करिए, उसमें लगाइए और स्किन को आगे पीछे करते रहिए, और जबरदस्ती साफ करने की कोशिश मत करिए इस स्पेग्मा को, जो कि व्हाइट पार्ट होता है पाउडर जैसा, आपने देखा होगा आपके बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट का जो आगे की ग्लांस होती है, यानी जो अंडाकार जो हिस्सा होता है उस पे व्हाइट कलर का पाउडर जैसी चीज जमी रहती है,
तो उसे स्पैग्मा बोलते हैं। उसे जबरदस्ती साफ करने की कोशिश मत करिए, आप ये रेगुलर बेस पे करते रहिए। गुनगुने पानी से उसे वॉश करिए और गुनगुना तेल लगाइए, वो खुद ब खुद हट जाएगा 2 से 3 दिन में अगर आप रेगुलर करते हैं तो। उसे जबरदस्ती करने की कोशिश मत करिए, जिससे कि आपका बच्चा परेशान हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, रो सकता है और आप भी परेशान हो सकते हैं। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके भी बेबी के प्राइवेट पार्ट पे ये स्पैग्मा जैसी चीज हो गई है और उसमें से स्राव हो रहा है पानी जैसा, तो आज से ही आप ये नुस्खे आजमाना शुरू कर दीजिए। और अगर आप नहीं करती हैं तो आगे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि वो स्किन चिपक सकती है, जिससे कि आपको इमीडिएटली में मतलब ऑपरेट कराना पड़ सकता है, उसको कटवाना पड़ सकता है आगे की स्किन। तो वो नौबत ना है, इससे अच्छा है कि आप आज से ही ध्यान दीजिए। और पहले के जमाने में जब हमारी दादी, मम्मी, नानी, सास, ससुर ऐसे रहते थे हमारे साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब आज के दौर में कोई अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता है, सभी अपने किसी मतलब नौकरी के वजह से या जिस भी वजह से अलग रहते हैं, उनको कोई बड़ा बताने वाला नहीं होता है, तो उनके वहां अक्सर ये दिक्कत हो सकती है। और उन माओ को नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें अपने बच्चे के लिए, कैसे केयर करें। तो मेरी इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिलेगी। आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी और उपयोगी वीडियो लाती रहूं आपके सामने। तो बाय फ्रेंड।